तो आज हम करने वाले बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो जिसमें हमारे साथ है निवेदिता लाकरा जो कि डीजे और सिंगर और सॉन्ग राइटर है और हमारे साथ है नमन जो कि हमारे वीडियो एडिटर और सिंगर और सॉन्ग राइटर है और आज का चैलेंज ये होने वाला है कि ये वाली हम बीट देंगे उनको और उनको मिलेगा एक घंटा इस पे कॉम्पोजिशन करने से लेकर रिकॉर्डिंग से हर एक चीज करने के लिए और उसके बाद हम डालेंगे इनके फाइनल रिजल्ट अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे और जिसको कम वोट मिलेंगे उसको खाना पड़ेगा ये बहुत ही स्पाइसी बहुत ही तगड़ा जोलो चिप। तो गाइस इस चैलेंज के लिए हम यूज करने वाले रोड का NT1 सिग्नेचर सीरीज और दोनों कंटेस्टेंट को मिलेंगे माइक्रोफोन ये लीजिए कैसे लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है और फिर अगर गाना अच्छा नहीं बनता तो आपको ये चिप्स खाने पड़ेंगे जोलो चिप्स दैट्स राइट टेंशन हो रही है नहीं नमन को ही खाना है मुझे क्या टेंशन और इस प्रोसेस को इजी बनाने के लिए दोनों कंटेस्टेंट को एक एक इंजीनियर असाइन करेंगे सोहम फॉर नमन दैट्स राइट अक्षत फॉर निवेदिता That's right. तो चैलेंज का टाइम शुरू होता है अब तो गाइज इन लोगों को ये नहीं पता है कि हम लोग आधे घंटे के बाद फिर से बीट चेंज कर देंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों लोग अपने रूम्स में जा चुके हैं एक बार देख भी लेते हैं क्या हरकतें कर रहे हैं उत्कर्ष क्या सीन है फिर सीन तो कुछ नहीं डर लग रहा था थोड़ा डर लग रहा है ये कौन है यार ये नया बंदा फिर से आ गया यहाँ पे नया पुराना बंदा है सो दिस इज ऑगमेंट ऑलमोस्ट एक मिनट हो चुके हैं एंड दिखा देते हैं और वो जोलो चिप का है जोलो चिप देखेंगे जोलो चिप अभी नहीं खोलेंगे जोलो चिप तो आराम से खोलेंगे हमने भी आज तक ट्राई नहीं करा बट वीडियोज ही देखे कि भाई जो भी खाता है उसकी ऐसी की तैसी हो जाती है मुझे बिल्कुल म्यूजिक थ्योरी नहीं आती है Both the cameras. E major. Maybe excited? Are you excited? You're trying the camera. What about our volume? Nice. Cable to nice. सब कुछ दिया गाइस वो बेचारे लोग मेहनत कर रहे हैं और यहाँ पे देखो ये लोग अपनी मेहनत कर रहे हैं पेट पूजा कर रहे हैं क्या मेहनत चल रही है गाइस क्यों खा रहे हैं तो भाई इसमें मिला है रोड का सिग्नेचर सीरीज उसके साथ एक पॉप फिल्टर और ये XLR केबल और इसका बेस्ट पार्ट था ये मेरा ये फेवरेट है पर्सनल सर अलाउड है बट टाइम बचाना है ना 7 मिनट हो चुके हैं भाई सुन भाई तू बस सुना दे मैं वो क्लिप लेता हूँ ये यार बोर हो गए यार क्या करें हैं। तो ऐसी कैमरा खेल रहा हूँ मैडम कैसा लग रहा है कोई चैलेंज कैसा बनेगा व्हाट इज योर ओपिनियन सॉलिड बनेगा आई गेस बीट जो बीच में तुम चेंज करने वाले हो उससे काफी उनका सब हिल जाएगा सिस्टम रोम रोम भाइयों सिस्टम पार देंगे किसी को नहीं बता दिया लिटरली किसी को आइडिया भी नहीं बीट चेंज होने वाली है हम क्या करें अभी घंटा ये सब छोड़ हम इन तीन चीजों को सेम रखने दे हम इस पे ऐड ऑन ऐड करते हैं कुछ भी इसके आगे थोड़ा लाउड जितना भी लाउडेस्ट पार्ट होगा चीख के गा दे इस पे 15 सेकंड्स के लिए Don't you some love in me? मुझको खाना पड़ेगा वो गंदा सा चिप अगर मैं यही सब करती रही सुन लेट्स डू वन थिंग 40 मिनट्स बचे हैं राइट 30 तक मैं जितना लिखता हूँ लिख लेता हूँ ये जो थोड़ा मतलब ब्रिज सेक्शन है हाँ या कुछ लो मेलोडी ट्राई कर सकता है ठीक है गुड वन गुड वन याद रखियो याद रखियो स्केल में कंफर्टेबल है ना थोड़ा सा मुस्कुराने
जिन लोगों को भी पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है भाई, 28:52 हो चुके हैं और अब बहुत ही जल्दी बीट होगी हमारी चेंज। बीट इनके ग्रुप्स में भेज दीजिए, भेज दी गई है, ये देखिए बीट 2 भेज दी गई है। और अब इनका जो नागासाकी और हिरोशिमा में अभी जो बॉम्ब ड्रॉप होने वाला है, जस्ट रुक जाइए 30 सेकंड है, बहुत उत्सुक है आप इनको डराने के लिए, मजा आएगा डराने में, यही तो फन है, बहुत खुश है हम भी हैं। इसीलिए तो बैठे थे कल से सोच रहे हैं कि इनको कुछ परेशान करें। तो गाइस तो या तुम्हारी तो थोड़ा और रोकिए 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 तो गाइस चैलेंज थोड़ा और डिफिकल्ट बनाने के लिए ये बीट यूज नहीं करनी है आपको, ये फेक बीट थी और नेक्स्ट बीट आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दी गई ताकि उसको यूज करे गाना बनाओ। तो जो भी अभी तक आपने लिखा है वो आपको हाफ एन आवर में जल्दी से करना है, दूसरी बीट खोल। तो आप लोगों का रिएक्शन कैसा है सर, क्या रहा आपके साथ? नो कमेंट व्हाट अबाउट यू ब्रो? चल भाई सब चल है भाई, ये तो एक और बना देंगे, हम जीते हुए हैं। चलो अब चलते हैं नागासाकी। गाइस व्हाट्स अप भाई, रुक जाओ। तो चैलेंज थोड़ा और डिफिकल्ट बनाने के लिए फेक बीट थी, हम यूज नहीं करने वाले हैं, नई बीट चलेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में दे दी है आपको, उसको यूज करके गाना बनाना है। क्या बात है, भी बन जाएगा है, इतना कॉन्फिडेंस। तो आप लिरिक्स अपने यूज कर सकते हो वही, पर बीट चेंज हो चुके हैं। व्हाट अबाउट यू अक्षत, कैसे एक्साइटेड हो कि डरे हुए हो? मेरे को थोड़ा चिप खाना है, आधा तो तेरे को भी खाना पड़ेगा, आधा तो देखो भाई वैसे भी नमन और सोम खाएंगे उनको पूछ। अरे 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 गाइस, हमें लगा था ये डर जाएंगे, ये तो भैया दोनों के दोनों अलग ही कॉन्फिडेंस में चल रहे हैं, हमें डर लग रहा है इनको देख के। चाहिए नहीं कुछ नया लिखूं कि यही किसी का कुछ जुगाड़ से जुगाड़ नहीं है। अबे भाई बहुत गंदा लग गया इस पे यार, ये जो भी लिखा है अनफेयर। तो गाइस अंदर जो हमारे आर्टिस्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं रोड का NT1 सिग्नेचर सीरीज। तो इस माइक के फीचर्स की बात करते हैं जल्दी से। तो गाइस अगर आप एक बेडरूम प्रोड्यूसर हो, एक सिंगर हो या फिर आप पॉडकास्ट करते हो तो ये माइक्रोफोन आपके लिए एकदम परफेक्ट है। और गाइस रोड NT1 सीरीज 30 साल से भी ज्यादा से इंडस्ट्री में चल रही है, तो इस माइक पे आप फुल ट्रस्ट कर सकते हो। तो गाइस जैसे उत्कर्ष ने बताया कि 30 साल से माइक यूज हो रहा है और ये आता था सिर्फ ब्लैक कलर में, बट अब पहली बार सिग्नेचर सीरीज के लिए इन्होंने बहुत तगड़ी चीज करी है कि ये 5 डिफरेंट कलर्स में आता है। और क्या तगड़ी चीज है इसमें, सबसे तगड़ी चीज है कि इसकी डायनामिक रेंज बहुत तगड़ी है, यानी कि अगर आप बहुत लो वॉल्यूम पे रिकॉर्ड करते हो या बहुत ज्यादा हाई वॉल्यूम पे रिकॉर्ड करते हो दोनों में आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, आराम से आपकी सारी साउंड्स को रिकॉर्ड कर लेता है। और गाइस एक और तगड़ी चीज, ये जो माइक्रोफोन है ये बहुत ही तगड़ा माइक है इस वे में, क्योंकि रोड क्लेम करता है कि वर्ल्ड का सबसे साइलेंट, सबसे कम नॉइस उठाने वाला माइक्रोफोन है और काफी ज्यादा लाउड भी रिकॉर्ड कर सकता है। तो अगर आप बहुत धीरे से बोलते हो या बहुत लाउड बोलते हो, ड्रम्स को रिकॉर्ड करते हो, ये सारी चीजें हैंडल कर सकता है। और गाइस रोड हमें सिर्फ माइक ही नहीं देता, इसके अंदर कोबरा से भी लंबी XLR केबल मिलती है, ऑलमोस्ट 6 मीटर की है। और इसकी जो वारंटी है गेस करो कितनी होगी, आपके फ्रिज से भी ज्यादा लंबी वारंटी है इसकी, 10 साल की वारंटी देता है रोड। और जो तीसरी चीज जो कि बहुत ही मस्त है वो है इसके साथ शॉक माउंट और एक फ्री पॉप फिल्टर मिलता है, जो कि आपकी रिकॉर्डिंग की क्वालिटी को बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल बना देता है। चलो रिकॉर्ड। चाहे दिन हो या रात, मेरी मांगे है ना खास, ठीक है लूप हो जाएगा इसे रख ले। कहने को जो बात है पर बातें तो हजार हैं। अब आ रहा कुछ फाइनली, तो इसमें ऐसा कर सकते कि ठीक है ये रिकॉर्ड करते कर ले। मैं क्या जानू पहचान तेरी, 13 मिनट सही में निधि, 13 मिनट 13 मिनट्स ऑनली हो गया। हो गया डन। देरना की हारमोनी संगे 3 एडलिब्स ठीक है आज। शिट कुछ भी नहीं, मैंने बचा लिया सब कुछ, ठीक है अब बैठ जा रहा हूँ। चलो इसको जल्दी से EQ मारते हैं। हाँ।
दे दे थोड़ा सा तो साथ कैसा कर दिए कमाल। गाइस 5 मिनट सिर्फ 5 मिनट बचे, जल्दी जल्दी दे दो। सोहम आपको कैसा लग रहा है? डिस्टर्ब नहीं करना, डिस्टर्ब नहीं करना। गाइस हमारा काम यहाँ पे सिर्फ परेशान करना है, फिर से परेशान करना है। परेशान करेंगे हम तो, सिर्फ 4 मिनट बचे हैं। कुछ बन रहा है? बोले तो उसको बेचारे को तो 1 मिनट कम नहीं होता। क्यों कंप्रेस? कार्तिक क्या लगता है कौन जीतेगा? भाई मुझे लगता है नमन जीतेगा। Oh my God! I am my dead boy. I am with team Basila. निवेदिता मैं आपके साथ हूँ। Thank you. 3 मिनट बचे हैं। इनके प्लगइन तो चल नहीं रहे हैं। एक्सपोर्ट अगर नहीं करा तो हम नहीं लेंगे भाई टेक। तो 30 सेकंड बचे, जल्दी गाइस क्या टाइमिंग है? 50 सेकंड में लास्ट 50 सेकंड गाइस। नंबर 2 सबका रिएक्शन की क्या गाना बना है, तो जल्दी से सुनते हैं पहले निवि का गाना और फिर सुनते हैं नमन का गाना। तो निवि एक्साइटेड? वेरी वेरी। अक्षत एक्साइटेड? चाहे दिन हो या रात मेरी मांगे हैं न खास, मुझे दे दे अपना थोड़ा सा सवेरा, थोड़ा थोड़ा पूरी कर दे ये प्यास, मेरी मांगे हैं न खास, बस चाहूं देखना मैं तेरा चेहरा, थोड़ा थोड़ा पागलपन में है जननी ये फूलों की डाली, ना दे रे ना। कहने को जो बात है पर बातें तो हजार हैं, हजारों में हो बस एक तुम, एक तुम, एक तुम। लेट्स गो, बहुत बढ़िया। 1 घंटे में आपसे बहुत सही था, आधे घंटे में बहुत सही था, मजा आया। और काफी डीप थे लिरिक्स, अच्छे थे। अब नवन का देखते हैं, नवन ने क्या गया। चलो चलो लेट्स गो। मैं क्या जानू पहचान मेरी, थोड़ा कर दे एहसान बेबी, मैं तो चाहूँ बस साथ तेरा, साथ कैसा कर दिया कमाल, पर तेरा छुपदाना साथ, तेरा साथ बेबी, मैं क्या जानू पहचान तेरी, थोड़ा कर दे एहसान बेबी, मैं तो चाहूँ बस साथ तेरा, बात मेरी तू मान बेबी। बाथरूम में गाना था क्या? इतना रिवर्ब? थोड़ी जल्दी कुछ लोग ना रिवर्ब थोड़ा ज्यादा डाल देते हैं, शायद उनका घर ही बाथरूम ऐसा, तो उनका रेफरेंस ना
थोड़ा वैसी होता है। तो गाइस जो हमारा फाइनल आउटपुट था इस माइक का वो आप लोगों ने सुन लिया है, हमें तो काफी तगड़ा लगा ये माइक। और बेस्ट चीज ये जैसे कि जो NT1 सिग्नेचर सीरीज है ये आपके NT1 फिफ्थ एडिशन से थोड़ी सी सस्ती है, यानी इन्होंने $90 इसको सस्ता निकाला है, जो कि इंडिया में लगभग 7,000 से 8,000 रुपए होने वाले हैं। सबसे तगड़ी क्या चीज मिलती है, माइक आपका NT1 की तरह साउंड करता है, सारे फीचर सारे स्पेसिफिकेशन सब सेम है, सस्ता भी है। बस एक ड्रॉबैक है कि आप USB से रिकॉर्ड नहीं कर सकते। NT1 के फिफ्थ एडिशन में आप USB यूज कर सकते हो, यहाँ पे आपको सिर्फ XLR मिलती है। बट अगर आप स्टूडियो में हो तो आप कभी भी USB यूज नहीं करोगे, बिकॉज USB केबल लंबी नहीं होती, प्लस कई बार हमें XLR केबल यूज करनी होती है, ऑडियो इंटरफेस यूज करने होते हैं, तो स्टूडियो के लिए ज्यादा बेटर है प्लस चीप भी है। तो आई थिंक आपको ये माइक लेना चाहिए बिकॉज ये काफी तगड़े प्राइस पे आने वाला है। प्लीज वोट फॉर मी, मुझे जोलो चिप नहीं खाना प्लीज। राम राम गाइस, वोट फॉर नमन एंड सोहम। चलो तुम्हारी सबकी फोटो खींचते हैं एंड लेट्स गो। क्या कह रहे हो नमन? मैं कह रहा हूँ पहले डर गई, देखो सैड गाने चल रहे हैं। निवेदिता आप क्या कहना चाहते हो इस चीज पे? मैं इससे बहुत नाखुश हूँ। गाइस 13 मिनट हो चुके हैं, सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं। क्या लगता है निवी, अब क्या होने वाला है? ये जो फर्जी लोग हैं ना, राम राम करके लोगों के वोट लेते हैं, हम भी जय श्री कृष्णा है, हम कौन सा प्रचार कर रहे हैं जय श्री कृष्णा का? अब तो रिलीजियस होना भी पाप है आज के डेट में। गाइस स्कोर चल रहा है 31% versus 69%। तो गाइस फाइनल रिजल्ट आ चुका है जो कि है 30 versus 70 और नमन जीत चुके हैं 70% वोट से। तो अभी हमारे जो लूजर्स हैं, और लूजर्स नहीं है वैसे, इन्होंने बहुत बढ़िया करा है, बट अब वोटिंग के हिसाब से लोगों ने चूज करा है कि इन्हें जोरो चिप खाना पड़ेगा निवी टीम निवी को। तो टीम निवी आप लोगों के लिए हम इनबॉक्स कर लें चिप गेयर चप्पल। अरे यार, अरे यार वैसे ओके, दिस इज लाइक सिनोर पपीतो लेकिन उसका बहुत ही डार्क हो। ये क्या है? ओह माय गॉड, ये टूट रखा है, ऐसे आता है। मैं भी टेस्ट करता हूं कैसा है ये। लेट्स गो, हाथ में नहीं आ रहा तो क्या खत्म करना है जल्दी, अक्षर पूरा खाना है, खत्म करना है। मैं खा सकता हूं भाई? ना टेस्ट कर। नहीं नहीं आपको खत्म करना है। ओह माय गॉड भाई, पानी चाहिए भाई, पानी लेके आओ जल्दी, पानी ले लो भाई। कोक चाहिए होगी इसके ऊपर? नमन भी खा चुके हैं। I'm out. I want milk. कैसे लग रहा है नमन? कैसा लग रहा है भाई? Thank you for the votes. लेकिन ये मुझे भी खाना पड़ गया है, ये बहुत स्पाइसी था, सबने थोड़ा थोड़ा टेस्ट किया। 5 मिनट पहले कुछ नहीं हो रहा था लेकिन एक्चुअली अब बहुत गंदा लग रहा है। दूध तो और भी बिगाड़ रहा है यार, दूध में चीनी तो डाल देते यार। अबे तुम सबने बहुत छोटा खाया, मैंने बहुत बड़ा पीस उठा लिया। तो कैसा लग रहा है अक्षत आपको? ठीक था, पहले तो बिल्कुल नहीं लग रहा था तो इसलिए मैं ज्यादा खा गया, बट धीरे धीरे। तो गाइस आखिरी में ये हाल है कि सारा सामान यहाँ पे गिर चुका है, कोल्ड ड्रिंक गिर चुकी है, दूध गिर चुका है, और एंड में जोलो चिपने सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। अरे आउटर शूट हो गया।